हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीपी चार्जेस के ऊपर। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि डीपी चार्जेस की फुल फॉर्म डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होती है, बट बहुत से लोगों को ये नॉलेज नहीं होगी कि किस तरीके से अप्लाई होते हैं और ये क्यों अप्लाई होते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप ये देखोगे कि डीपी चार्जेस आपका किस तरीके से अप्लाई होता है, क्यों अप्लाई होता है और ये कब अप्लाई होता है। अगर आपका इसके अलावा कोई क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछिएगा, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। दोस्तों, मान लीजिए आपने किसी कंपनी के शेयर्स को बाय किया डिलीवरी पे, और जिस दिन आप उन शेयर्स को बाय करते हैं उस दिन को कहा जाता है ट्रांजिशन डे, शॉर्ट में उसको कहते हैं टी डे। मान लीजिए ये है अपना टी डे, और टी डे वाले दिन जो भी शेयर्स आप बाय करोगे वो आपके डीमेट अकाउंट में नहीं ट्रांसफर होते हैं, तुरंत के तुरंत ट्रांसफर नहीं होते हैं। तो दोस्तों, अभी आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन, क्या टी डे वाले दिन, मतलब जिस दिन मैंने डिलीवरी पे शेयर्स को बाय किया है, क्या मैं उसी दिन सेल कर सकता हूँ? तो हाँ दोस्तों, आप अपने शेयर्स को उसी दिन सेल कर सकते हो। अभी दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि टी डे वाले दिन मेरे ऊपर डीपी चार्जेस अप्लाई होंगे? तो दोस्तों, अगर आप टी डे वाले दिन अपने शेयर्स को सेल कर देते हो तो आपके डीपी चार्जेस अप्लाई नहीं होंगे। तो इसके अलावा क्या चार्जेस अप्लाई होंगे? तो दोस्तों, डिलीवरी पे जब भी आप शेयर्स को बाय करोगे और उसी दिन मतलब टी डे वाले दिन सेल कर देते हो तो आपके ऊपर वही सारे चार्जेस अप्लाई होंगे जो आपका ब्रोकर आपसे डिलीवरी पे लेता है, सिवाय डीपी चार्जेस के, मतलब कि डीपी चार्जेस आपके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। इसके अलावा एक दिन आगे बढ़ जाते हैं। अभी हम आगे हैं टी प्लस वन डे पे। आपने टी डे के दिन शेयर्स को बाय किया था, अभी एक दिन और आगे आ गए हैं जिसे हम लोग कहते हैं टी प्लस वन डे। क्या टी प्लस वन डे पे हम अपने शेयर्स को सेल कर सकते हैं? तो हाँ दोस्तों, आप अपने शेयर्स को इस दिन भी सेल कर सकते हैं। इसे अक्सर हम लोग बीटीएसटी ट्रेड भी कहते हैं, मतलब बाय टुडे सेल टुमारो। कि इसके ऊपर क्या क्या चार्जेस अप्लाई होंगे? तो दोस्तों, जो आपने शेयर्स टी डे वाले दिन बाय किए थे वो डिलीवरी पे बाय किए थे, इसीलिए अगर टी प्लस वन डे वाले दिन जो भी शेयर्स आप सेल करोगे तो आपके ऊपर डिलीवरी वाले सारे चार्जेस अप्लाई होंगे जैसे कि टी डे वाले दिन अप्लाई हो रहे थे। लेकिन यहां भी आपके ऊपर डीपी चार्जेस अप्लाई नहीं होंगे क्योंकि शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में नहीं है। तो ये हो गया टी प्लस वन डे। इसके बाद चलते हैं एक दिन और आगे। जब हम एक दिन और आगे जाते हैं इसे हम लोग कहते हैं टी प्लस टू डे। दोस्तों, ये जो टी प्लस टू डे है यहीं पे होता है आपका डीमैट अकाउंट, ठीक है दोस्तों। तो टी डे वाले दिन आप अपने शेयर्स को बाय करते हो और इस दिन अगर आप सेल करोगे तो डीपी चार्ज नहीं लगेगा। टी प्लस वन डे वाले दिन अगर आप सेल करोगे तब भी डीपी चार्ज नहीं लगेगा। टी प्लस टू डे पे अगर अपने शेयर्स को अगर आप सेल करोगे तो आपके ऊपर डीपी चार्जेस लगेंगे क्योंकि आपके जो शेयर्स हैं वो डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। दोस्तों, अभी आप मान लीजिए कि ये जो मेरा बैग है ये है आपका डीमैट अकाउंट, लेकिन डीमैट अकाउंट फिजिकल फॉर्म में नहीं होते हैं, सारे डीमैट अकाउंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में और वर्चुअल फॉर्म में पाए जाते हैं। दोस्तों, अभी आप समझ लीजिए कि ये जो चेन है, जितनी भी, एक ये चेन रही, एक ये चेन रही, एक ये चेन रही, ये आप इसको लॉकर्स मान सकते हैं कि अगर आप एक्स कंपनी के शेयर्स को बाय करते हो तो आपका इसको यहाँ पे रखा जाएगा। इसी तरीके से जब आप वाई की कंपनी के शेयर्स को बाय करोगे तो अगले में रख दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर आप जेड कंपनी के शेयर्स को बाय करते हो तो वो अगले में रख दिया जाएगा, और अगर आप और कंपनीज के शेयर्स को बाय करते चले जाते हो तो अलग अलग लॉकर्स में रख दिए जाते हैं, इसके बाद उनको लॉक कर दिया जाता है। अभी दोस्तों होता क्या कि जो शेयर्स आपने टी वाले दिन बाय किए थे वो टी प्लस टू वाले दिन लॉकर में आ चुके हैं, इसके अंदर हैं और ये लॉक कर दिया गया है। अभी आप लोगों का क्वेश्चन होता है कि आज मैं अपने शेयर्स को सेल करूंगा, क्या आपके ऊपर डीपी चार्जेस अप्लाई होंगे? तो हाँ दोस्तों, आपके ऊपर डीपी चार्जेस अप्लाई होंगे। इसका एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कैसे आप समझ सकते हैं। मान लीजिए जितने भी ये लॉकर हैं तो जिस दिन इन लॉकर खोला जाएगा उस दिन आपका डीपी चार्ज अप्लाई होगा। जिस दिन खोला जाएगा उस दिन आपका डीपी चार्ज अप्लाई होगा। ऐसा मैं दो बार क्यों बोला, इसका रीजन आप समझ जाइए। बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि अगर मेरे पास 100 शेयर हैं, जैसे कि इसी लॉकर के अंदर 100 शेयर हैं, और 50 आज सेल कर दूं, 50 अगले दिन सेल कर दूं, क्या मेरे को दो बार डीपी चार्जेस देने होंगे? तो हाँ दोस्तों, आपको दो बार डीपी चार्जेस देने होंगे। लेकिन अगर आप 50 शेयर सुबह के टाइम पे सेल करो और 50 शेयर उसी दिन शाम के टाइम पे सेल करो तो क्या आपको दो बार डीपी चार्जेस देने होंगे? नहीं दोस्तों, आपको सिर्फ एक बार डीपी चार्ज देना होगा। इसको आप आराम से समझिए कि ये है आपका लॉकर, इसके अंदर लॉक लग चुका है। अभी आप आते हो अपने ब्रोकर को बोलते हो कि मुझे अपने शेयर्स को सेल करना है। आपका ब्रोकर जाता है CDSL के पास और बोलता है कि उसके एक्स कंपनी के शेयर्स को सेल करना है। तो CDSL आपकी एक्स कंपनी वाला जो लॉकर है उसको खोलेगा। जब इसको वो खोलेगा तो इसका मतलब क्या है कि इसका लॉकर खोला गया है। तो दोस्तों, आज के दिन पे अगर आप इस लॉकर को खुलवा लेते हो तो पूरा दिन ये ओपन रहेगा और जब मार्केट बंद होगी तब आपका ये लॉकर बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, जब कभी भी आपके लॉकर को ओपन किया जाएगा उस दिन आपको डीपी चार्ज देना पड़ेगा।
तो अगर आप T+2 वाले दिन जो कि शेयर्स आपके इस लॉकर के अंदर बंद थे, अगर आप उन शेयर्स को सेल करोगे तो आपको वहां पे डीपी चार्ज देना पड़ेगा। अगर आपने इस कंपनी के 1000 शेयर लेके रखे हैं, उन 1000 में से आप 500 आज सेल करते हो तो आपको डीपी चार्ज देना पड़ेगा, लेकिन 500 अभी बचे हुए हैं तो शाम ओवर होते हुए जब मार्केट बंद हो जाएगी तब आपका ये लॉकर बंद कर दिया जाएगा। फिर आप 10 दिन बाद फिर से आते हो और अपने ब्रोकर को बोलते हो कि मुझे अपने शेयर्स को बेचना है, जो बचे हुए 500 शेयर्स हैं वो मुझे फिर बेचने हैं। चाहे दोस्तों आप अगले दिन आओ, चाहे 5 साल बाद आओ, चाहे तो 10 साल बाद आओ, आप जब बोलोगे ब्रोकर को कि मुझे अपने शेयर्स को सेल करना है, ब्रोकर CDSL के पास जाएगा और आपके लॉकर को खोलना पड़ेगा। तो जिस दिन आपका लॉकर खुलेगा उस दिन आपको डीपी चार्ज देने पड़ेंगे। यहाँ पे बचे हुए 500 शेयर्स हैं उनको खोला जाएगा और फिर सेल कर दिया जाएगा, तो आपको 2 बार डीपी चार्ज देने पड़ेंगे। बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है क्या मुझे पर डे डीपी चार्ज देना होता है? तो नहीं दोस्तों, पर डे डीपी चार्ज नहीं देना होता है। इसका मतलब यहाँ पर डे का जो होता है वो ये होता है कि जिस दिन आपका लॉकर खुलेगा उस दिन आपको डीपी चार्ज देने होंगे, ठीक है। इसके अलावा बहुत से लोगों का डाउट होता है कि एक्स कंपनी के शेयर थे, साथ में वाई कंपनी के भी शेयर हैं, साथ में जेड कंपनी के शेयर हैं, और आज के दिन पे मैंने एक्स के भी बेचे, वाई के भी बेचे, जेड के भी बेचे, क्या मुझे 3 बार डीपी चार्ज देना पड़ेगा क्योंकि मैंने 3 कंपनी के शेयर सेल किए? हाँ दोस्तों, आपको 3 बार डीपी चार्ज देना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये था आपका एक्स का लॉकर, ये था आपका वाई का लॉकर और ये था आपका जेड का लॉकर। जब तीनों को लॉकर को आप खुलवा रहे हो तो आपको 3 बार डीपी चार्ज भी देने पड़ेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि डीपी चार्जेस किस तरीके से अप्लाई होते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि सभी ब्रोकर्स डीपी चार्जेस अलग अलग रेट पे लेते हैं, मतलब कि ज़ेरोधा का अलग चार्ज है, अपस्टॉक्स का अलग चार्ज है और ग्रो का अलग चार्ज है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।